जीएन भारत की तरफ से सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में अपने राष्ट्रीय पर्व को लेकर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोराबादी मैदान में तो सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन में झंडा उत्तोलन किया। मोराबादी मैदान रांची में गणतंत्र दिवस का उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद सभी लोगों ने तिरंगे को सैल्यूट किया। पूरा मोराबादी मैदान राष्ट्रीय गीत से गूंज उठा। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से सुशोभित वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित संताल परगना की इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। वहीं पाकुड़ जिले में 73वें गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झंडा तोलन किया और सलामी दी। इस दौरान मंत्री ने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया। झंडा तोलन और परेड निरीक्षण के बाद मंत्री ने लोगों को संबोधित किया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन प्रशासन राज्य के लोगों के लिए विकास और कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के अंतिम गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। परेड और झांकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। एक बार फिर जीएन भारत की तरफ से सभी देशवासियों और झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।